स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है और आज हम कक्षा 11 का जीव विज्ञान से उपवर्ग 2 के अंतर्गत पढ़ाएंगे मेटाथीरिया। मेटाथीरिया के अंतर्गत आपको हम आज बताएंगे चमगादड़ की विषय में, इसके बारे में बताएंगे चमगादड़ की विषय में। ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ आप लोग देख रहे हैं, चमगादड़ आपको चित्र के माध्यम से बना के दिखा दिए हैं। तो देखिए चमगादड़ का ये क्या है, माउथ है, इसको आप लोग मुख बोलते हो, ये आपका आई आंख है, ये आप कान है चमगादड़ का, ये चमगादड़ की क्या है पंख है और ये चमगादड़ के कान है। ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ जो है आकाश में उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है जो अपनी 1000 से भी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करता है। देखिए चमगादड़ जो है ये 1000 से भी अधिक जो है प्रजाति के साथ स्तनधारियों के सबसे बड़े कुल का चटकता निर्माण करता है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, देखिए आपको बताया जा रहा है चमगादड़ पक्षी नहीं है, वे क्या है स्तनधारी है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, वे स्तनधारी है, एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकते हैं। देखिए एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकते हैं। चमगादड़ पौधे के लिए महत्वपूर्ण प्रारण प्रदान करते हैं। देखिए बच्चों जो चमगादड़ होता है ये पौधों के लिए क्या करते हैं, महत्वपूर्ण प्रारण करते हैं। चमगादड़ उल्टे लटके होते हैं, चमगादड़ उल्टे लटके होते हैं क्योंकि उल्टा होने से ये आसानी से उड़ान भर सकते हैं। उल्टा इसलिए लटकते हैं चमगादड़ क्योंकि उनको जब उड़ान भरना होता है, उड़ान भरने में क्या होती है चमगादड़ को बहुत ही आसानी होता है, इसीलिए चमगादड़ क्या होते हैं उल्टे लटके होते हैं। क्योंकि चमगादड़ अन्य पक्षी की तरह जमीन से उड़ान नहीं भर पाते। देखिए जो अन्य पक्षी होते हैं, अन्य पक्षी से कबूतर है, कौवा है, मैना है, तो अन्य पक्षी जो होते हैं ये क्या होते हैं जमीन से उड़ान भर लेते हैं, लेकिन चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो कि जमीन से उड़ान नहीं भर पाते हैं, इसीलिए पेड़ की टहनियों से उल्टे क्या होते हैं लटके होते हैं। चमगादड़ तब तक नहीं काटते जब तक उन्हें उस्ताया न जाए। देखिए चमगादड़ बेटा है कभी काटते नहीं है, लेकिन विषम स्थितियों में चमगादड़ काट भी सकते हैं। जब कोई चमगादड़ को परेशान करता है या उस्ताता है तब ऐसी स्थितियों में चमगादड़ क्या करते हैं काट भी लेते हैं। तो ये प्रोटोथीरिया से अधिक विकसित होते हैं, ये जो प्रोटोथीरिया से क्या होते हैं अधिक विकसित होते हैं, ये एक उपसर्ग उपवर्ग है जो कि प्रोटोथीरिया है, तो उससे भी अधिक क्या होते हैं अधिक होते हैं। मादा का शरीर में उदरधानी होती है, मादा के शरीर में क्या होती है बेटा उदरधानी होती है जिससे बच्चों का विकास होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों का विकास होता है। देखिए बच्चों ये आप लोग देख रहे हैं चमगादड़ है जिसको गांव की भाषा में गादरू के नाम से जानते हैं, और ये रात्रि के समय इनको दिखाई देता है, दिन के समय इन्हें दिखाई नहीं देता है। ये पेड़ों की टहनियों पर उल्टे लटके हैं, आप लोग देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। और तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार कोचिंग क्लासेस जाना अयोध्या।